बीजेपी विधायक ने बेटे के साथ पुलिस थाने पर भोला धावा, छुड़ा ले गए लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोपी को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेंबरशिप नहीं लिया तो जल्दी ले सकते हैं। आप बंपर इनाम भी जीत सकते हैं हमारे चैनल का मेंबरशिप लेके। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उससे पहले कहावत हमें याद आ रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए जिसकी सरकार है उसी की चलेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां के मोहम्मदी कोतवाली में देर रात बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा काटा और छेड़छाड़ किया है। उसके आरोपी को पकड़े जाने पर युवक को वहां से थाने से उठा ले गया और पुलिस देखते ही रह गई। हंगामा काटा और जबरदस्ती युवक को कोतवाली से छुड़ा ले गया। दरअसल मोहम्मदी कोतवाली पुलिस ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसकी सूचना जैसे ही बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर को मिली तो आग बबूला हो गया और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर में देर रात जम हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और पकड़े गए आरोपियों को जबरदस्ती कोतवाली से छुड़ा ले गए। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर का यह कोई नया कारनामा नहीं है। एक दिन पहले ही धान क्रय केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने जमकर उत्पात मचाया था, सरकारी धान केंद्र में मौजूदा रजिस्टर को उठाकर पटक दिया था। साथ इन्होंने धान क्रय केंद्र के कर्मचारियों से जमकर गाली गलौज की थी। धान सेंटर की घटना को एक दिन ही बीता था कि उसके अगले दिन देर रात छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए बीजेपी कार्यकर्ता को विधायक लोकेंद्र बहादुर सिंह, उनके पुत्र और काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंच कर पुलिस के साथ गाली गलौज करते हुए दबंगई की और जबरन छेड़छाड़ के आरोप को थाने से छुड़ा ले गए। जो आरोपी था उसको छुड़ा ले गए। इस मामले में हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। वही बात हो गई, जिसकी लाठी उस भैंस, अब क्या करेगी पुलिस जब उसको विधायक थे उसको छुड़ा ले गया, उस पर कार्रवाई नहीं होगी और उसके साथ जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए थे उस पर जबरदस्त कार्रवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।